हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी डेयरी विजिट कराऊंगा। आओ चलो दिखाते हैं आपको अपनी डेयरी। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, दो चार बच्चे बाहर बांधे हुए हैं, चल रहे हैं हम डेयरी की तरफ। गाइस जैसे कि देखिए, सारी गायें हमें ही देख रही हैं। आपको जैसे दिख रहा होगा, एक छोटा सा एक बड़ा है, मतलब बड़े वाले में इनको चारा दिया जाता है, छोटे वाले में पानी, क्योंकि इनको पानी पिलाने की दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर भी हैं, सबकी वैसे बनी हुई हैं हौदियाँ चारा खाने के लिए। आप जैसे कि इधर देख रहे होंगे, इधर बच्चों के लिए, जो बच्चे आपको बाहर दिखे थे अभी बांधे हुए, उनके लिए भी वैसे बना है, खाने के अलग, पीने पीने का अलग। आप जैसे देख सकते हैं, गौशाला अभी अभी धोया गया है, कितना साफ है। देखिए, सभी गायों में एक ही यही भैंस है हमारी, इसको हमने जल्द, यही दो चार दिन हुआ है, इसको लिए हम। देख सकते हैं कैसे देख रही है हमें। कि आप इस गाय को देख रहे हैं, कल इसके पैर में दिक्कत हो गया था, ये सामने वाले में क्या हुआ था, वो जो खुले हुए सांड नहीं होते, इसको मार दिए थे। इसकी दवा हो रही है गाइस, इसलिए आपको ये थोड़ी डिस्टर्ब लग रही होगी। उस तरफ देखिए, अपना एक बच्चा बांधा हुआ है इसके साथ ही। इसके लिए हीटर लगवाया गया है, क्योंकि उसको ठंड भी लग सकती थी, इसलिए। ये हम आपको दिखाते हैं हमारे चारा कैसे डाला जाता है। आपको दिख रहा होगा ये मशीन, ये चारा काटने की मशीन है। देख रहे हैं चारा कट चुका है, मोटर से चलता है, यही मोटर है। अब ये चारा गाय, इसे चारा अब गायों को डाला जाएगा, गाय खाएंगी। अब इनको हम शाम को लगा लेंगे, दूध वूध अपना निकालेंगे इनसे, फिर चलेंगे उसको डेयरी, अपनी डेयरी, उसी पे देंगे। जैसे कि आपको दिख ही रही होगी, यही अपनी डेयरी। गाइस, हमने आपको अपनी डेयरी के बारे में बता ही दिया, अब अपने ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके गाइस, बाय।